यूपी के फतेहपुर जिले में 72वें गणतंत्र दिवस पर केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने पुलिस लाइन में ध्वजारोहण किया, जहां पुलिस के जवानों ने परेड करते हुए तिरंगा झंडे को सलामी दी। वहीं बेहतर कार्य करने वाले पुलिस कर्मियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया, जहां केंद्रीय मंत्री के हाथों से प्रशस्ति पत्र पाते हुए पुलिस के जवान खुश दिखाई दिए। वहीं केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि जिस तरह से आज पुलिस के जवानों को सम्मानित किया जा रहा है, जो दिन रात ड्यूटी निभाते हैं और उन्हें प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जा रहा है। वहीं साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि बॉर्डर में शहीद हुए जवानों को हमेशा याद किया जाएगा। कार्यक्रम में जिले के आला अधिकारी सहित पुलिस फोर्स की मौजूदगी रही। जिन जवानों ने देश की रक्षा करते हुए माँ भारती के चरणों में अपने प्राणों को न्योछावर किया, उनको अभिनंदन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। आज के इस राष्ट्रीय पर्व के पावन अवसर पर हमारे जनपद के जिनके हाथों पर सुरक्षा की, आम नागरिकों का संरक्षण जिनके कंधों पर है, ऐसे युवा, और मुझे विश्वास है कि आपके आने के बाद से जनता के अंदर एक विश्वास पैदा हुआ है। ऐसे एसपी महोदय श्री सतपाल जी हमारे जनपद की, जिनके हाथों में विकास की धुरी है, ऐसी युवा जिला अधिकारी अपूर्वा जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष आदरणीय भाई, इस राष्ट्रीय पर्व में विद्यालयों में, हर नगर में, हर शहर में, हर गांव में उत्सव हो रहा है। उस समय जब मैं आपके बीच में बोल रही हूं, मुझे स्मरण करना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय कोरोना महामारी में मेरे फतेहपुर के नौजवानों ने पूरी अपनी सेवाएं दी है। वो चाहे स्वास्थ्य कर्मी हो, सुरक्षा कर्मी हो, चाहे सफाई कर्मी हो, चाहे नर्सिस हो, चाहे यहां संगठनों के सभी नागरिक बंधुओं, उन सारे बंधुओं का मैं अभिनंदन करती हूं कि कोरोना की परवाह किए बगैर जहां जिसकी ड्यूटी थी वहां पूरी तरह लगे हुए थे। ये बात मैं इसीलिए कह रही हूं कि हमारे जनपद में कोरोना के समय पर प्रदेश से बाहर रहने वाले नागरिक जो भी आए, वो चाहे कौशाम्बी के हो, रागरेली के हो, बांदा के हो, हमीरपुर के हो, सबसे ज्यादा ट्रेनों के माध्यम से फतेहपुर में आए। हम गर्व कर सकते हैं कि कोरोना महामारी में विश्व जहां बड़े बड़े संपन्न देश जिनके पास साधन की कमी नहीं थी, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की कमी नहीं थी, अमेरिका जैसे देश इस महामारी के समय, कोरोना के समय घुटने टेक दिए हैं। लेकिन मैं भारत के वैज्ञानिकों को, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री को बधाई देना चाहती हूं